है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुषमा सिंपल लाइफ। और आज मैं लेकर आई हूँ ये बेसन की सब्जी। ये बहुत ही फ्लफी, बहुत ही जूसी है। ये देखने से पनीर की सब्जी की तरह लग रहा है, एग्जैक्ट स्वाद भी वैसा ही है। तो चलिए इसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ले लिया है मैंने ये 150 ग्राम बेसन, उसमें एक छोटे चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से लें, और ये एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, और मैं इसमें डालूंगी आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर मैं इसमें डालूंगी ये जीरा धनिया पाउडर है, इसमें डालूंगी ये भी आधा छोटे चम्मच, और इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो है अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा लेके और आप उसे हथेली पे मसल के तब डालें। मैं भी देखिए ऐसे डाल रही हूँ ये अजवाइन को थोड़ा मसल के, ताकि इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाए। और फिर मैं इसमें डालूंगी ये चॉप्ड अनियन और ये चिलीज, आपको अगर नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बनाएंगे पतला घोल। अभी तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और ये अभी तो गाढ़ा है, ये इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए हम इसे पतला घोल बनाएंगे। अभी तो ये गाढ़ा है, एक बार में पानी डालने से इसमें लम्स आ जाएगा और ये मेरा घोल ख़राब हो जाएगा। तो ये इसे पहले मिलाना है अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी मैं। 2 गिलास पानी लगभग 300 ml होगा पानी। तो ये 150 ग्राम मैं बेसन है और इसमें मैं 300 ml पानी डालूंगी और इसका एक पतला घोल तैयार करूंगी, ताकि मैं मुझे उसे फिर से पकाना है। तो पकाने के बाद ये बेसन कढ़ाई में जाने के बाद तुरंत ठीक होने लगता है। और इधर मैं एक कढ़ाई में डालूंगी ये 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, ये सरसों के तेल में ही बनेगा, और मैं इसमें सारे घोल को डाल दूंगी। इसे तेज़ लौ पे पकाएंगे और एक ग्रीस की हुई प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। और इधर एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है, इसके ऊपर हम इस गाढ़े घोल को फैलाएंगे और किसी पंखे के नीचे 10 से 15 मिनट सूखने के लिए रख देंगे। और 15 मिनट हो गए हैं, ये सरसों के तेल में मैं इसे फ्राई करूंगी। देखिए मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इन टुकड़ों को मैं डीप फ्राई करूंगी, और डीप फ्राई करते ही ये काफ़ी फ्लफी हो जाएंगे और साइज़ में बड़े हो जाएंगे। ये काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब ये ग्रेवी में मैं डालूंगी तो सारे ये रस जो है सब्जियों का रस इसे सोक करके, और ये पूरी तरह से पनीर के जैसा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होगा। तो मैं इसे पहले फ्राई कर रही हूँ डीप फ्राई। इस तरह से देखिए एक बैच तैयार हो गया, इसी तरह से मैं 2-3 बैच में ये सारे टुकड़ों को फ्राई कर लूँगी, फिर करूँगी आगे का प्रोसेस। तो देखिए तैयार है। इधर फ़ौरन के लिए लिया है लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ते और कुछ खड़े गरम मसाले। और इधर मैं एक तैयार करती हूँ लिक्विड मसालों की, जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी प्रोसेस से बनाती हूँ, तो आज भी मैं आपको ऐसे ही दिखाऊँगी। ये मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी में 1 छोटी चम्मच जीरा धनिया पाउडर डाला है, और ये 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चूँकि सब्जी में थोड़ा तीखापन चाहिए इसलिए ये ज़्यादा तीखा तो नहीं है, इसका तीखापन आएगा ये गोल मिर्च से, जो कि 1/2 छोटी चम्मच है। और ये सारे मसालों को मैं थोड़ा सा पानी डालकर 2-3 बड़े चम्मच पानी डालूंगी और एक इसका लिक्विड तैयार करूँगी, जो लास्ट में प्याज भुनने के बाद मैं मसालों में डालूँगी इसका घोल ये। और ये प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों के तेल में ही बनता है ये सब्जी। और गर्म ऑयल में डाल दिया है मैंने अपना ये तैयार किया हुआ फ़ौरन, और फ़ौरन ये मेरा हो गया है लाल। और इस स्टेज पे मैं डालूंगी अपने कटे हुए प्याज, ये मैंने 2 बड़े प्याज को रफली चॉप कर लिया है, और ये छोटे बारीक कटे हुए जो अनियंस थे वो भी ऐड कर ली हूँ इसमें मैं। तो ये धीमी लौ पे मैं इसमें फ्राई करूंगी, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के, लाइक नमक मैं इसी स्टेज पे डालती हूँ, इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून,
और मैं इसमें इसी स्टेज पे डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं अनियंस की ग्रेवी बनाती हूँ, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसी स्टेज पे डालती हूँ, ताकि प्याज का कच्चापन और ये जिंजर गार्लिक का कच्चापन एक ही साथ फ्राई हो जाए और ये कच्चापन दूर हो जाए। तो ये फ्राई करूँगी मैं मीडियम लो पे 10 मिनट। और 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट बीच बीच में चलाते हुए मैंने इसे फ्राई कर लिया है 10 मिनट तक, और प्याज जो है ऑलमोस्ट गल चुके हैं मेरे। और देखिए इस तरह का लिक्विड मेरे पास अब मिल गया है, और मैं इसमें डालूंगी ये लिक्विड जो मैंने तैयार किया था, मसालों का लिक्विड है ये, जिसमें है हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, धनिया और गोल मिर्च का पाउडर मैंने लिक्विड बना लिया था, और मैं इस स्टेज पे इसे डालूंगी और 5 मिनट तक और कुक होना है इसे, ताकि मसालों में जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए और तेल बाहर आ जाए और टेस्ट भी आए। ये देखिए ये सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं और ये मसाले तेल छोड़ने लगे हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, और फ्लेवर जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, फ्लेवर तो मेरे तक पहुँच रहे हैं, और आप बनाइएगा तो आप तक भी पहुँचेंगे। तो पूरे 5 मिनट हो गए हैं, और 5 मिनट बाद ये देखिए मसाला मेरा ऑलरेडी कुक हो गया है, अच्छी तरह से भुन चुका है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, और इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें डालेंगे 300 ml, चूँकि ये पानी इसका बहुत पतला लिक्विड बनाना है। इसमें जब हम अपनी बढ़िया जो हमारे बेसन की बन के तैयार हुई है, जो पीसेज में फ्राई की हूँ, वो पानी सोक कर लेता है और फिर ग्रेवी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे, जो कि 300 ml के बराबर है, और इसे बॉयल होने देंगे अच्छी तरह से। चूँकि बढ़िया डालकर मुझे पकाना नहीं है, तो पानी को पहले पकाते हैं। और अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और ये देखिए ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, पक चुकी है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और देखिए ये थोड़ा पानी ज़रूर रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी है ये। और जब हम इसमें डालेंगे ये अपने बेसन के पकौड़े, तो ये पानी कुछ और एब्जॉर्ब करेगा और ये हमारा घोल और गाढ़ा हो जाएगा। ये एकदम पनीर का टेस्ट आएगा, पनीर के जैसा लगेगा, बच्चे तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। इस लॉकडाउन में यदि आपके पास हरी सब्जी नहीं हो, बाजार पनीर लाने नहीं जा सकते, तो बच्चों को ऐसा बनाकर खुश करें। आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और इसे जब चाहें बनाएं। इस स्टेज पे मैं थोड़े से आधे छोटे चम्मच गरम मसाले डालूंगी, ये बाजार के एवरेस्ट के मसाले हैं। मैं इसे डाल के और मैं इसे मिला के और बस अब इसे इसका ढक्कन लगा दूंगी। इसे अब पकाना तो बिल्कुल नहीं है, इसका फ्लेम बंद करके इसका ढक्कन मैं लगा दूंगी, ताकि ये गरम मसाले की खुशबू इसमें अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसको हम 10 मिनट बाद खोलेंगे और सर्व करेंगे, इंस्टेंट इसे नहीं परोसना है। तो देखिए मैं बंद करती हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स रेडी है ये बेसन की सब्जी, तो आप इसे जब चाहें बनाएं। घर में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं, तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा बेसन का सब्जी बनाने का प्रोसेस आपको पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपके कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो हमारे लिए, तो मेरे नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस क्वेरी को सुनूंगी, पढ़ूंगी और मैं उसका रिप्लाई करूंगी और आपके सजेशन को फॉलो करूंगी और नेक्स्ट हमेशा बेहतर करने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक्स, बाय बाय।